Hello students, today we shall do chapter number 14, active and passive voice. Now, what do you understand by active and passive voice? How can you differentiate ya identify active voice kya hai and passive voice kya hai aur ek active voice sentence ko passive voice mein change karna aur ek passive voice sentence ko active voice mein kaise change karte hai, is chapter mein hum padhenge. Ab before I teach you about voice, active and passive voice, what we need to know is that the most important part about active and passive voice is the verb. Verb आपका जो doing word है वो कौन से form में है, कौन से tense में है. Tense chapter आपने पढ़ा है. आपको अगर वो chapter clear नहीं है, you can refer to my video. मैंने उसको इस चैनल पे पोस्ट किया है एंड फिर आपका वॉइस वाला चैप्टर आप ये वीडियो देख सकते हैं. सो वी नीड टू नो व्हाट इज द टेंस ऑफ द वर्ब. नाउ एग्जांपल देखिए, राज इज फ्लाइंग द काइट. इस चित्र में राज एक लड़का है जो एक पतंग को उड़ा रहा है. राज सब्जेक्ट, काइट ऑब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है जिस चीज पे वो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एक्शन हो रहा है. एंड वो एक्शन कौन बताता है हमें, वर्ब बताता है. वर्ब क्या है, आपका एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड. कमिंग बैक टू द सेंटेंस, राज इज फ्लाइंग द काइट. राज इज योर सब्जेक्ट, क्या कर रहा है राज, इज फ्लाइंग. Flying is your verb. अब वो क्या उसका जो fly कर रहा है वो कौन से object पे उसका action हो रहा है, kite पे. So इस sentence में हमारा subject भी है, object भी है और verb भी है. अब उसी same sentence को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, the kite is being flown by Raj. अब देखिए दोनों sentences का meaning same है लेकिन लिखने का तरीका अलग है. ये जो लिखने का तरीका है, एक को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, दूसरे को बोलते हैं पैसिव वॉइस. इन द फर्स्ट सेंटेंस राज इज द सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट द एक्शन ऑफ राज. अब एक सेंटेंस में जब सब्जेक्ट हमारा एक्शन कर रहा है, ठीक है, तब वो एक्टिव वॉइस कहलाता है. देयरफॉर द सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस. इन द सेकंड सेंटेंस काइट इज द सब्जेक्ट. ये जो सेकंड सेंटेंस है इसमें द काइट हमारा सब्जेक्ट हुआ. व्हाट इज सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है. सो यहां पर सेकंड सेंटेंस में हम काइट के बारे में बात कर रहे हैं. सो काइट इज द सब्जेक्ट and the rest of the sentence is being flown by Raj is talking about what is happening to the kite. Therefore the sentence is in the passive voice. ठीक है. अब students, main चीज आपको इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि active voice जो है वो हमें बताता है कि subject क्या कर रहा है, ठीक है. passive voice में जो sentence होता है वो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, ठीक है. एक्टिव में सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, पैसिव में सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है. ये इज द दिस इज द ओनली डिफरेंस. एक्टिव वॉइस टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट इज डूइंग और डज. पैसिव वॉइस टेल्स अस व्हाट हैपेंस टू द सब्जेक्ट. अब एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है. देखिए राज इज फ्लाइंग द काइट, ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है. यहां पर सब्जेक्ट आपका राज है. ये सेंटेंस आपका कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस. इसी सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो ये जो आपका सब्जेक्ट राज है वो बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट इन द सेकेंड सेंटेंस विच इज इन योर पैसिव वॉइस. एंड सेकेंड सेंटेंस जो आपका पैसिव वॉइस है वो स्टार्ट होगा आपके एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाता है आपका
सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, कुछ इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट बिकम्स पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट, ओके, एंड एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट बिकम्स योर पैसिव वॉइस सब्जेक्ट। बस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दीजिए एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फ्रेम द सेंटेंस आफ्टर दैट। नाउ टिडबिट्स में देखिए, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट एक्ट्स, इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिमेन्स पैसिव एंड रिसीव सम एक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे राज इज फ्लाइंग द काइट, यहाँ पे राज पतंग उड़ा रहा है, वो एक्शन कर रहा है, तो एक्टिव में है। पैसिव वॉइस में वही वाला सेंटेंस, द काइट इज बीइंग फ्लोन बाय राज, द सब्जेक्ट रिमेन्स पैसिव, ठीक है, एंड रिसीव सम एक्शन। जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, सेंटेंस हमारा काइट, सेकेंड सेंटेंस में काइट हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो ये क्या हो रहा है, ये कुछ एक्शन रिसीव कर रहा है। किससे रिसीव कर रहा है? राज से। क्या एक्शन है वो? राज उस पतंग को उड़ा रहा है। पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट आपका जो है वो एक्शन रिसीव करता है। ठीक है, जैसे ही आप थोड़े एग्जांपल्स करेंगे योर अंडरस्टैंडिंग विल बी मोर क्लियर। नाउ नोट्स में देखिए, एक्टिव वॉइस टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट इज डूइंग और डस एंड पैसिव वॉइस टेल्स अस व्हाट हैपेंस टू द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, रितु ईट्स फूड, रितु सब्जेक्ट, ईट वर्ब फूड ऑब्जेक्ट। अब रितु कुछ एक्शन कर रही है, रितु हमारी जो सब्जेक्ट है कुछ एक्शन कर रही है। क्या एक्शन कर रही है? खाने का एक्शन कर रही है। किस चीज पे? फूड इज द ऑब्जेक्ट। सो ये हुआ एक्टिव वॉइस, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही एक्शन कर रहा है। उसी सेंटेंस को, फूड इज ईटन बाय रितु, अब मैंने क्या बोला था, एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव में करने के लिए एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट कर देंगे, एंड एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, योर सेंटेंस विल स्टार्ट विद दैट बीइंग द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। ये रितु ईट्स फूड एक्टिव वॉइस, फूड इज ईटन बाय रितु पैसिव वॉइस। यहाँ पे हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है, सिर्फ रितु जो सब्जेक्ट थी यहाँ पर आके पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाती है, और फूड जो हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस का। सो द सेंटेंस मीनिंग इज द सेम बट द वॉइस चेंजेस। फूड इज ईटन बाय रितु, अब ये जो सब्जेक्ट है इस पे कुछ एक्शन किया जा रहा है, जबकि पहला जो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा था। ठीक है, रितु जो सब्जेक्ट है खाना खाने का एक्शन कर रही है, लेकिन वही वाला सेंटेंस फूड जो सब्जेक्ट है उस पे कुछ एक्शन हो रहा है रितु द्वारा, तो ये पैसिव वॉइस में बन जाता है। ओके, नाउ इन सेंटेंस वन, रितु द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग, दैट इज द सब्जेक्ट इज एक्टिंग, देयरफॉर द वर्ब ईट्स इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस। Sentence 2, food, the subject is being acted upon by the object, by Ritu. That is, it is receiving an action and not doing anything itself. Therefore, the verb is said to be passive voice. Kuch aur examples dekhenge. In the passive voice, subject becomes the object and the object takes the position of the subject. Jo maine bola tha, aapko bas interchange karke likhna hai subject and object ko. Now, tidbits dekhi. In passive voice, by is used when we know who or what did the action. Kiske dwara hum use karenge jab hume batana ho ki kisne ya kis cheez ne action kiya hai. Ab ye dekhi, example 1. Grandfather gives us earthen toys every Diwali. Yahan par pehle aap dhoondiye subject kaun hai? Grandfather. Kya wo kuch action kar rahe? Ji haan, wo gift kar rahe hume. क्या कर रहे? कुछ ऑब्जेक्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जी हाँ, अर्थन टॉयज। सो ग्रैंडफादर द सब्जेक्ट, गिफ्ट्स इज योर वर्ब, अर्थन टॉयज इज योर ऑब्जेक्ट एंड द एक्शन इज बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट, देयरफॉर दिस इज इन योर एक्टिव वॉइस। वही वाला सेंटेंस जब हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे, मैंने क्या बोला था आपको, आपका जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस के बिगनिंग में सब्जेक्ट बन के शुरू होगा। अर्थन टॉयज are gifted to us every Diwali by grandfather.
ग्रैंडफादर जो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट थे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। इन पैसिव वॉइस बाय इज यूज्ड व्हेन वी नो हु और व्हाट डिड द एक्शन, इसीलिए बाय ग्रैंडफादर हो गया। ठीक है, वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मदर इज स्टरिंग द सूप। मदर जो है हमारी सब्जेक्ट है, क्या वो कुछ काम कर रही है, कुछ एक्शन कर रही है? हाँ, स्टरिंग द सूप। किसको स्टर कर रही है? ऑब्जेक्ट क्या है? सूप है। तो ये क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो मदर है एक्शन कर रही है, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करने के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाता है हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। द सूप इज बीइंग स्टर्ड बाय मदर। आप टेंस देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है, इज स्टरिंग बन जाता है इज बीइंग स्टर्ड, ठीक है, बाय मदर। जब हम इंटरचेंज करते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को तो हमारा ये वर्ब का फॉर्म भी चेंज होता है, इस पे आप ध्यान दीजिए। सेकंड, एक्टिव वॉइस, रिधिमा हैज सेंट फ्लावर्स फॉर यू। रिधिमा सब्जेक्ट, फ्लावर्स ऑब्जेक्ट, सेंट आपका वर्ब है। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में इंटरचेंज करेंगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को, जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस के बिगनिंग में आएगा हमेशा। सो फ्लावर्स हैज बीन सेंट फॉर यू बाय रिधिमा। द प्रिंसिपल हैड गिवन अ लेक्चर ऑन डिसिप्लिन। इज द सब्जेक्ट डूइंग एनी एक्शन? यस। व्हाट इज द एक्शन? गिविंग अ लेक्चर। सो दिस इज अ एक्टिव वॉइस सेंटेंस। इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में अ लेक्चर, जो लेक्चर आपका सब्जेक्ट है, सॉरी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आके सब्जेक्ट बन के शुरू होगा। अ लेक्चर ऑन डिसिप्लिन हैड बीन गिवन बाय द प्रिंसिपल। द मैकेनिक वॉज रिपेयरिंग मिस्टर दुबेस कार। यहाँ पर मैकेनिक जो है हमारा सब्जेक्ट है, क्या वो कुछ एक्शन कर रहा है? हाँ, रिपेयरिंग का कर रहा है। किस चीज पे कर रहा है? मिस्टर दुबे के कार पे कर रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। सो यस, दिस सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में मिस्टर दुबेस कार, जो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, वॉज बींग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। तो मैकेनिक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर कुछ काम कर रहा है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस में हो जाता है। आवर सेल्स एग्जीक्यूटिव विल कॉल यू बैक। सब्जेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव, यू इज द ऑब्जेक्ट, कॉल इज योर वर्ब। सो इन पैसिव वॉइस यू will be called back by our sales executive. By next month, we will have bought a new house is your object. By next month, we is your subject. Bought is your verb. And a new house है आपका object. इसी को हम passive voice में by next month, a new house will have been bought by us. अब ध्यान दीजिए, in some cases, we omit the object in the passive voice. जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में, कुछ सेंटेंसेस में हम उसको छोड़ देते हैं। द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इज ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। थर्ड फॉर्म, V3 फॉर्म, जिस वर्ब बेस फॉर्म अगर आपका है उसका V3 फॉर्म हम यूज करते हैं, जिसमें हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं ED एड करके। एग्जाम्पल, समवन हैज बुक द एयर टिकट्स फॉर अस। एयर टिकट्स हैव बीन बुक्ड फॉर अस। देखिए, अब पैसिव वॉइस में द ऑब्जेक्ट बाय समवन हैज बीन ओमिटेड। इसमें एक्टिव वॉइस में समवन था, पैसिव वॉइस में हम इसको जो ऑब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट है एक्टिव में, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में, उसको हम ओमिट कर देते हैं या छोड़ देते हैं। नाउ पैसिव वॉइस इज मोस्ट ऑफन यूज्ड व्हेन द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट आर नोन बट द सब्जेक्ट इज आइदर अननोन और मिसिंग। In such situations, the emphasis is on the object. Example देखिए, servant cleaned the house on time. यहाँ पे servant आपका subject, cleaned is your verb, house is object. Same sentence को passive voice में, ये जो house आपका object है वो subject बन जाता है, the house was cleaned on time. By whom यहाँ पे mention नहीं हो रहा passive voice. ठीक है, this is way of writing passive voice. In some cases, we omit the object. Someone threw a stone at Mr. Das's house. A stone was thrown at Mr. Das's house. By someone नहीं लिखेंगे। अगर हमें clear नहीं है किसने किया है, हम उसको omit कर देंगे। अब ये handy voice chart जो है, इसको आपको by heart learn करना है। ये different tenses में active voice
पैसिव वॉइस में जाके क्या होता है, बिगिंस बन जाता है सिंपल प्रेजेंट में इज बिगन, इज या आर चॉपिंग बन जाता है इज या आर बिंग चॉप इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस. यू हैव टू मेमोराइज दिस सो दैट इट इज इजियर फॉर यू. कौन से टेंस में कैसे फॉर्म में आता है, जैसे पास्ट परफेक्ट हैड बन जाता है हैड बीन, सिंपल फ्यूचर शैल विल बन जाता है शैल विल बी, शैल या विल बी. ठीक है, फॉर दिस यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर टेंसेस चैप्टर. इफ योर टेंसेस चैप्टर आर क्लियर देन यू कैन इजिली फ्रेम योर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. नाउ वी विल डू योर वर्कशीट. In the following sentences, identify the verb and underline it and state whether it is active voice or passive voice. Write A for active and P for passive against each sentence. One has been done for you. The storm blew away the roofs of the houses. Storm subject, blew verb, roofs of the houses object. इसलिए ये active voice में है, क्योंकि subject ही कुछ action कर रहा है object. The goal was saved by Rohan. By Rohan, मतलब ये जो आपका सब्जेक्ट है इस पे कुछ एक्शन हो रहा है, किस चीज का. द गोल वॉज सेव्ड बाय रोहन, रोहन द्वारा एक्शन हो रहा है हमारे सब्जेक्ट गोल पे, तो ये पैसिव वॉइस में है. वी रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी इज द सब्जेक्ट, रेस्पेक्ट वर्ब्स, ऑब्जेक्ट टीचर्स, सो एक्टिव, क्योंकि हम ही कुछ एक्शन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट. आर्यन इज बिल्डिंग अ सैंड कासल, आर्यन सब्जेक्ट, बिल्डिंग वर्ब, सैंड कासल ऑब्जेक्ट. So Aryan, the subject is doing some action on the object that is building, so active voice. A blue shirt was worn by the child. A blue shirt was worn by the child. मतलब ये जो subject आपका blue shirt है, इस पे child द्वारा कुछ action हो रहा है पहनने का, इसलिए ये passive voice में है. The dolphin swallowed some fish. Dolphin subject, action कर रहा है fish object पे swallowing का, इसलिए active voice. The thief was chased by the police. By the police. Always lay stress on by the police. By word जहाँ पे आ गया मतलब वो sentence आपका passive voice में है. Thief subject के ऊपर कुछ action हो रहा है police द्वारा chasing का, इसलिए passive voice. We ate dosa at the restaurant. We subject verb ate. हमने क्या action किया subject पे, खाने का. So it is an active voice. Krish is writing a book. Krish is a subject. Book is the object. वो क्या action कर रहा है book पे? लिख रहा है. So it is active voice. Udaipur is often visited by tourists. Udaipur is often visited by tourists. देखिए यहाँ पर भी by word आ गया, तो ये passive voice है. So this Udaipur जो आपका subject है, उस पे action हो रहा है tourists का visiting का, इसलिए ये passive voice में हो गया. जहां पर भी सेंटेंस में बाय टूरिस्ट, बाय द पुलिस, बाय द चाइल्ड, बाय रोहन ऐसे वर्ड्स आए बाय के साथ, जस्ट ब्लाइंडली आइडेंटिफाई इट एज अ पैसिव वॉइस सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट वर्कशीट टू, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. अंजलि ब्रोक द ग्लास बोल, ये जो सेंटेंस है आपका, ये है आपका एक्टिव वॉइस में. इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में लिखना है. अंजलि सब्जेक्ट, ब्रोक वर्ब, क्या ब्रेक की, ग्लास बोल जो हमारा ऑब्जेक्ट है. अब ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में है, हमने सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया. अब आइडेंटिफाई करने के बाद हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्टार्ट करेंगे एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के साथ, जो कि हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन के शुरू होता है. द ग्लास बोल वॉज ब्रोकन बाय अंजलि. ठीक है, यहाँ पे बाय अंजलि हो गया तो पैसिव वॉइस हो गया. ठीक है, द मेड विल स्वीप द फ्लोर, मेड सब्जेक्ट, स्वीप वर्ब, फ्लोर ऑब्जेक्ट. जस्ट इंटरचेंज द ऑब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट. द फ्लोर विल बी स्वेप्ट बाय द मेड. ओके, यहाँ पे द फ्लोर के साथ शुरू होगा, विल बी स्वेप्ट, विल स्वीप हो जाता है, विल बी स्वेप्ट बाय द मेड. दिस शॉप सेल्स केक्स एंड पेस्ट्रीज. शॉप हमारा सब्जेक्ट, सेल वर्ब, केक्स एंड पेस्ट्रीज ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट द्वारा कुछ एक्शन हो रहा है ऑब्जेक्ट पे. अब ये ऑब्जेक्ट विल बी द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस. केक्स एंड पेस्ट्रीज आर सोल्ड बाय दिस शॉप. रजनी टीचर्स संस्कृत, रजनी सब्जेक्ट, संस्कृत ऑब्जेक्ट. तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा. संस्कृत इज टॉट बाय रजनी. The riders wore black helmets. Riders
सब्जेक्ट, वोर वर्ब, ब्लैक हेलमेट्स ऑब्जेक्ट. सो पैसिव वॉइस में क्या होगा, ब्लैक हेलमेट्स वर वोन बाय द राइडर्स. ठीक है, वर वोन होगा डब्ल्यू ओ आर एन. नेक्स्ट, जॉन वॉज ईटिंग एन एप्पल. जॉन सब्जेक्ट इज डूइंग सम एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट एप्पल, दैट इज ऑफ ईटिंग. ईटिंग आपका वर्ब है. सो यहां पर एप्पल जो आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में वो आपका सब्जेक्ट बनके शुरू होगा. एन एप्पल वॉज बींग ईटन बाय जॉन. ओके, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस. पहले में हमने किया एक्टिव टू पैसिव, अभी हम पैसिव टू एक्टिव करेंगे. गीतांजलि वॉज रिटन बाय टैगोर. अभी देखिए आइडेंटिफाई हो गया, बाय टैगोर आया मतलब पैसिव है. गीतांजलि जो है आपका सब्जेक्ट, उस पर कुछ एक्शन हो रहा है बाय योर ऑब्जेक्ट टैगोर, इसीलिए ये पैसिव वॉइस में है. सो यहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट टैगोर है पैसिव में, एक्टिव में आके आपका सब्जेक्ट बन जाता है. सो टैगोर रोट गीतांजलि. द नेशनल एंथम वॉज सांग बाय द चिल्ड्रन. By the children, passive voice. So children आके आपका subject बन जाता है active voice में. And national anthem आपका object बन जाएगा. The children sang the national anthem. Children subject. किस पे action हो रहा है? National anthem पर. क्या कर रहे? गा रहे हैं national anthem को. ठीक है? The story was told to us by our teacher. Our teacher told us the story. The chair will be repaired by the carpenter. The carpenter will repair the chair. Cartoon films are loved by Ratan. Ratan loves cartoon films. The ice cream was eaten by him. He ate the ice cream. ठीक है, इसी तरह आप active and passive voice को आप identify करेंगे कि कौन से voice में है and कैसे हम उसको change कर सकते हैं. With this, we come to the end of your active voice and passive voice. Any doubts, please let me know in the comment section. I will be more than glad to solve it for you. If you like my channel students, please like, share and subscribe. Notification button, bell icon jo hai on rakhiye taki next video jab dalu aapko notification mil jaye. And you can study from my video. If you like my channel, please subscribe. Thank you.